Hello guys, how are you? आज एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं और ये रिसेंटली एक स्टूडेंट से पूछा गया है और ये लाइक बठिंडा में एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम था और वहाँ पे ये स्टूडेंट को पूछा गया सो so, मेरे को लगा मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए और इवन ये एक स्टूडेंट की डिमांड भी थी इस टॉपिक के लिए एंड द टॉपिक नेम इज़ योर फेवरेट सिंगर ठीक है दिस इज़ योर क्यू कार्ड पार्ट टू ठीक है अब मैंने बहुत सोचा कि कौन से सिंगर के बारे में बताया जाए सो so, मेरे को होता है कि उस सिंगर के बारे में ने कुछ टॉपिक के हम कुछ बोल सके ठीक है आउट ऑफ आइडियाज ना हो जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो सो मेरे दिमाग में नाम आया दिलजीत दोसांझ सबको ही पता है जो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं और इवन ये तो सिंगर है ऑल ओवर वर्ल्ड तो पता ही होएगा और इवन ये लास्ट टाइम न्यूज़ में भी था तो आपका एक टॉपिक और इसके साथ कवर हो जाएगा अगर इनकेस आपको आ जाता है टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ ठीक है तो दिलजीत दोसांझ क्यों था ये न्यूज़ में क्योंकि अभी अभी इसने जो है लाइक जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें काफ़ी सारी डोनेशन की है ठीक है सो ये वाला जो मेरे दिमाग में टॉपिक आया तो अब मैं आप, आपके साथ ही पूरा आइडिया शेयर करती हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं ठीक है सो पहले तो आपने उसका नाम बोल दिया ठीक है योर फेवरेट सिंगर इज़ दिलजीत दोसांझ अब इसके बाद आप ये कहें कि ये रिनाउम्ड सिंगर है ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये वर्सटाइल एक्टर है और क्योंकि इसने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी परफॉर्म किया हुआ है सिंगर भी है और अपने जो कुछ सॉन्ग्स अपने आप भी लिखते हैं ठीक है थीके? और इवन जो आप ये बोलोगे कि इसके जो सारे सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं और इसीलिए मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है और हम जब भी कभी ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो इसके ही सारे सॉन्ग सुनते हैं ठीक है और इवन आप इसका थोड़ा बहुत ये बता सकते हो कि लाइक मैंने रेड किया थोड़ा बहुत लाइक इंटरनेट पे कि बहुत अर्ली एज पे जो है इन्होंने मतलब दिलजीत दोसांझ ने अपना जो करियर स्टार्ट कर दिया था सिंगिंग का और कैसे स्टार्ट किया जो लोकल गुरुद्वारा में जाके इसने लाइक कीर्तन करने शुरू कर दिए और वहाँ से उसको लगा कि हाँ मेरे को सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना चाहिए ठीक है और धीरे धीरे स्टेज शो करने शुरू किए और जल्दी ही जो इसने अपना जो है लाइक स्टार्टम अचीव कर ली ठीक है लाइक फेमस हो गया एमिनेंट पर्सनालिटी बन गया ठीक है किसके कारण बिकॉज ऑफ शेयर टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक परसिस्टेंस थी डेडिकेशन थी उसके कारण ये बहुत लाइक सिंगल ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं सिंगिंग के लिए और इवन जो मूवीज़ में भी परफॉर्म करके ठीक है और अब आपने थोड़ा बहुत अपना भी बताना है तो आप बता सकते हो कि इसका कॉन्सर्ट आपने देखा अपने होम टाउन में और वहाँ पे आपका जो आपका फर्स्ट टाइम था कोई लाइव इसको लाइक सुनना और ये बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था और इवन इसने ना ही सिर्फ गाया इवन ऑडियंस को भी बीच में इंक्लूड किया सो तो सो तो जब ऑडियंस ने भी गाया तो वो एक बहुत इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस था सो so, मैं लाइक like, अब चाहती हूँ कि कभी भी उसका कोई कॉन्सर्ट हो तो मैं जाके ज़रूर सुनूँ बिकॉज अभी तक मेरे को उसको उसका कॉन्सर्ट याद है और इवन उस कॉन्सर्ट से मेरे को ये भी पता चला कि ये बिग फिलेंथ्रोपिस्ट है फिलेंथ्रोपस्ट मीन्स जो लाइक like, सोसाइटी के लिए काम करता है ठीक है सो सोसाइटी की हेल्प करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट सो ये बहुत लाइक बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट भी है बहुत सारे कॉन्सर्ट करता है ये फ्री जो फ्री कॉन्सर्ट करता है या फिर जो कॉन्सर्ट के पैसे लेता है इवन इसकी एक एन भी है जिसका नाम सांझ है जो कि लाइक हेल्प करता है नीडी पीपल की और इवन जो स्टूडेंट्स है जो एजुकेशन नहीं ले सकते उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है और इवन रिसेंटली इससे जो है जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे बहुत सारे पैसे जो है डोनेट किए हैं ऑल ये पर्सन ना ही सिर्फ गुड सिंगर है इवन ये बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है सो so ये चीजें बोल के आप अच्छे से अपना एक टॉपिक कवर कर सकते हो और आपको कोई आउट ऑफ आइडियाज नहीं होंगे बहुत चीजें हैं बोलने के लिए सो so अब स्टार्ट करते हैं आप इसको कैसे 2 मिनट्स में बोलोगे Well, I'm fond of listening to several forms of music depending on my mood and situation. Although I listen to all singers' songs, my all-time favorite is Diljit Dosanjh. I love his songs and always play them on loop. My whole family loves him. And we listen to his songs on the way on our road trips. He has become a youth icon, and many youngsters try to cope with his style. He hails from Punjab province and belongs to a very humble, middle class Punjabi family. He is a very successful and renowned singer around the world. He has acted in several Punjabi and Hindi movies. During his school time, he started his singing career by performing at local Gurudwaras. Slowly, he started stage shows, and it was there that he got noticed and has risen to stardom because of sheer talent. What's more, he has produced many hit songs since he started his music career. His songs always give a strong message to the audience. He has many talents. He is not only a singer but also a songwriter and an actor. He has won plenty of awards in his singing and acting career. I have also been to one of his concerts in Amritsar. Listening to him live was such a unique experience. He not only sang but also danced and encouraged the audience to sing with him, and it was a totally electrifying experience. He is a philanthropist and he runs a non-profit organization to help needy people. He donates money from his personal wealth to village hospitals. Recently, in the farmer protest, he donated money to the families who lost their family members during the protest. All in all, he is a great singer, writer, actor, but more than he is a great human being as. आई होप आइडिया क्लियर हुआ हो बहुत सिंपल सा मैंने आइडिया रखा है बट थोड़े बहुत कुछ मैंने वर्ड्स एड किए जो कि आपकी वु कैप को इम्प्रूव करेंगे सो so, अगर ऐसे वीडियोज आपको चाहिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योअर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉगेट टू प्रेस द बेल बटन टू गेट अपडेट सुन सो थैंक यू